मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी टाइम हुआ है 10:21 और आज है 15th April 2021। सो जतई बांगालीरा आछे आमार, माने बांगालीरा जरा देखे आमार ब्लॉग, जदि केउ देखे आमी जानि ना, सो सबाईके शुभ नववर्ष। जारा आमार थेके बड़ो तादेरके आमी प्रणाम जानाई, जारा आमार थेके छोटो तादेरके खूब 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 भालोबासा। सो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बेंगली न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं मम्मा, मैं और पंकज जीएमसी के लिए, क्योंकि मम्मा का आंखों का एक ऑपरेशन है, लेजर ऑपरेशन। या सो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, एंड ये रहा मम्मा और पंकज आ रहे हैं। सो आज हम जा रहे हैं एडमिट करने, ऑपरेशन कल है वैसे। सो चलिए आप लोग भी हमारे साथ आज का जर्नी देखिए कैसा जाता है। पोस्टपोन, एंड 26 तारीख बताया गया है क्योंकि रिपोर्ट आया नहीं कोविड का, इसलिए आज एडमिट नहीं हुआ एंड पोस्टपोन किया गया है। काफी देर तक हम लोग वेट किए, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने की ओर। फॉर लंच, पोपट हो गया। मुझे लगा ये मेनू कार्ड है, तो मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे देख लूंगी, पर ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको, प्लेट के नीचे? हाँ, प्लेट के नीचे मैट या कुछ भी तो बोलते हैं। सो दिस इज द मेन्यू कार्ड, मतलब आप यहाँ पर प्लेट रख के आप खाते खाते आपको अगर और कुछ भी ऑर्डर करना है आप इजीली यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सी फूड सब कुछ मिलता है, सिंस क्या कर रहे हो? वीडियो? हाँ, अभी जो कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये बहुत गलत बात है। कैमरा ऑन करते तुम भद्रो हो जाते हो, शरीफ इंसान। कॉपर लीफ, कॉपर में तांबे, तांबे पत्र। ये है गोवन फिश थाली जो पंकज ने खुद के लिए ऑर्डर किया था, और मैंने इसमें से क्रैब्स कड़ी मैंने खाए थे। सो हमारा लंच हो गया है, तो फिर और पंकज का थाली इतना भरा था कि मैंने हमारा खाना नहीं दिखाया, जो मम्मा और मैंने पनीर का खाया थे, पनीर मक्खनी राइस के साथ, क्योंकि मम्मा का वेज है तो वेज का ही। पंकज के प्लेट में था क्रैब्स, मैंने खाई। सो अभी मैं चल रही हूँ बाल भवन, पंकज मुझे ड्रॉप करेगा और इवनिंग को मुझे पिक करने आएगा।
पंकज तो मुझे बाल भवन ड्रॉप करके चला गया था, फिर वो मुझे लेने आया शाम को, और उसके बाद मरगांव से हम लोग चले पोंडा की तरफ, क्योंकि मम्मा का एडमिशन तो हुआ नहीं फॉर ऑपरेशन, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना अपॉइंटमेंट ले लूं मेरे जो साइनस का प्रॉब्लम है उसके लिए। चैनल सभी टाइम देख सकते हैं, 10:30 बजने को आया है। मैं आते ही पहले नहाई हूँ, फिर मैंने अपना स्किन केयर किया एंड देन मैंने चाय बनाई, और अभी मैं फ्राई करने वाली हूँ ये गोवा चिकन नगेट्स। गोवा का है, लोकल ब्रांड है ये, सो गोन पेस्ट। सो ये नगेट्स मैं फ्राई करने वाली हूँ, ज्यादा नहीं थोड़े सा ही करूंगी। सो गाइज, वैसे आज मैंने जितना भी चाय पिया ना, सच में बोल रही हूँ, बहुत बहुत बेकार। एक ही जगह पे मुझे चाय बहुत मस्त मिली थी, जब मैंने वो शूट किया ना, मैं पोंडा जा रही थी डॉक्टर के पास। सो आज एक्चुअली क्या हुआ, मम्मा का ये हुआ नहीं, वो पोस्टपोन्ड हो गया 26 तारीख को मम्मा का ऑपरेशन, तो इसलिए मैंने अपना अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो उसके लिए जा रही थी। फिर जब वहां से आ रही थी ना, तो एक जगह पे मुझे चाय मिला, और इतना मस्त बनाया था ना उन्होंने, मतलब पी के एकदम दिल खुश हो गया था, मतलब दिल गार्डन हो गया था। पर मैं और उसे रिपीट नहीं कर पाई, बिकॉज यू नो 10 रुपीज में इतना क्वांटिटी, वेरी लेस, मतलब जितना मैं चाय पीती हूँ, लाइक मैं इतनी सी चाय पीती हूँ, सो मुझे उसका 1/4 मिला, सो लाइक दैट। सो अभी मैं और 3 कप भी लूंगी तो 40 रुपीज, मतलब 3 बोल रही हूँ, 4 कप पी तो मतलब 40 रुपीज, तो कौन इतने खर्चे में जाएगा। सो मैंने इसलिए सोचा छोड़ो यार, मैं घर आके पीऊंगी। पर फिर भी मैंने बीच में और एक जगह पे मैंने ली थी, वहां पे भी क्वांटिटी कम था, पर वो सबसे बकवास चाय था, बकवास चाय। तो अब आती हूँ मैं, जो मैं डॉक्टर के पास गई थी, एक्चुअली कुछ सीरियस नहीं है। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैं ब्लॉग के टाइप पे यू नो मैं स्नीजिंग करती हूँ, मतलब नाक खींचती हूँ बहुत ज्यादा, तो मुझे एक्चुअली साइनस है, तो उसके लिए मैं गई थी, क्योंकि ये एलर्जी है मुझे, यू नो हर एक तरीके का, विंड हो या पोल्यूशन हो या व्हाट यू से दिस डस्ट हो, मतलब कोई भी रीजन हो मेरा ये छींके मुझे बहुत सताती है। एंड स्पेशली मॉर्निंग जब मैं सो के उठती हूँ एंड जब मैं सोने जाती हूँ, एंड स्पेशली तो सोने जाती हूँ तब बहुत ज्यादा होता है, जिससे मेरा नींद और यू नो मतलब क्या बोलूं, नींद खराब हो जाती है, सोना ठीक से नहीं होता। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि नींद अगर आ भी गई तो यू नो नींद में भी छिप पा देती हूँ, ये बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है, बट होता है। बट मॉर्निंग का जो छींके होता है ना, बहुत इरिटेट करता है मुझे, तो उसके लिए मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिए हैं, 2 मेडिसिन दिए हैं जो मेरा एलर्जी रिलेटेड है। प्लस एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे, बिकॉज ऑफ मैं डायबिटिक भी हूँ, तो उनका कहना है कि वो मुझे बाद में हेल्प करेंगे होम्योपैथिक के साथ, वो मुझे कुछ और मेडिसिन उसके ऊपर वो रिसर्च करने के बाद ही वो मुझे बता सकती है कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए। सो ये शायद 2 जॉइन हो गया है बर्फ, सो आई थिंक इसको मैं डाल देती हूँ, आई डोंट नो, मैं सही बोला, वो 2 जॉइन हो गया था या कुछ तो इस तरह अलग टाइप का है। इसके पर मैं अपना चाय पीना ही बोल रही हूँ। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी, तो उनके पास गई थी, तो एक्चुअली क्या है कि कंपेयर मुझे एक्चुअली कुछ टेस्ट भी करना था, आई डोंट नो आप लोग वीडियो में समझ सकते हो कि नहीं, बट मेरी पिक्चर्स में मैंने कुछ दिनों से मैंने नोटिस की है कि मेरे ये पोर्शन ना थोड़ा फुला फुला रह रहा है, जो कि एक्चुअली थायराइड का एक निशानी होती है। सो आई एम लिटिल स्केयर ऑफ दिस, सो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर फिर भी आई एम लिटिल स्केयर, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक फुल यू नो ब्लड टेस्ट करवा लूँ। सो आई थिंक मैं वो सैटरडे करवाऊँगी, क्योंकि आज मैं बहुत लेट डिनर कर रही हूँ, तो कल तो पॉसिबल है नहीं, तो कल मैं इवनिंग को जल्दी डिनर कर लूँगी, दैट संडे को मैं इजिली मॉर्निंग जाके मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा सकें। और दूसरी चीज़ मैं अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि ये लग गया है, तो लग जाने से इस तरह हालत हो गया है, एंड बहुत अजीब है स्मेल, बहुत ही अजीब है। मैंने वैसे पंकज को बोला था मकीन्स का लाने के लिए, आई थिंक मकीन्स ही बोलते हैं, पर वो पता नहीं बोन
नगेट्स क्यों लाया, आई डोंट नो, बहुत अजीब सा स्मेल है, आई एम नॉट लाइकिंग इट, आई होप खाने में अच्छा हो। सो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। अगर आज के ब्लॉग रिलेटेड कुछ भी अगर पसंद आता है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो अपना ख्याल रखिए, मैं मिलती हूँ कल एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बंगाली न्यू ईयर। शुभ नववर्ष आवाज जाना है सबाई के। सो चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।